एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में यातायात विभाग द्वारा पुलिस लाइन स्थित मेस सभागार में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता मौजूद रहे। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने होमगार्ड और पीआरडी जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि खाकी रंग जिनके भी शरीर पर है वो हमारे ही अंग है। साथ ही उन्होंने ट्रैफिक विभाग और ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रकाश वर्मा की कार्य प्रणाली की जमकर सराहना भी की। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, टीआई जेपी सिंह, टीआई सुनील सिंहाल, टीआई ए अंसारी को भी सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, हमारे होमगार्ड और पीआरडी जो है चौराहों पर भरी धूप में, बारिश में, जाड़े में अपना कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और जनपद की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अत्यंत परिश्रम से कार्य करते हैं। सर, हम सभी लोगों ने उन अच्छे जवानों का चयन किया सर, जो अच्छी वर्दी धारण करते हैं और अपने कार्यों को भलीभांति निष्पादित करते हैं सर। उसी अनुक्रम में सर, उन्होंने 20 होमगार्ड्स और पीआरडी जवानों को चयनित किया है और इन्हीं को सर यहाँ पर सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया है। तो जिला से भी करके बुलाता जाए कर रहे हैं, आप सुखी खा रहे हैं, आप सिगरेट
या पानी पी रहे हैं, ढंग से खड़े हैं नहीं खड़े हैं, आप ट्रैफिक संभाल रहे हैं नहीं संभाल रहे हैं, इस सारा कुछ जो है इमेज बनाता है। और किसी भी शहर का ट्रैफिक उसका फेस होता है किसी भी शहर का, और जिसको आप संभालते हैं। आप मेरा मानना है आप शहर के ब्यूटिशियन हैं, आप शहर के ब्यूटिशियन मेकअप आर्टिस्ट हैं, और जो आप शहर के ट्रैफिक को अस्त व्यस्त ट्रैफिक को किसी तरह चलाते रहते हैं। मुझे पता है कि ट्रैफिक में कम से कम 10 स्टेक होल्डर हैं और हमारा काम 1/10 है, क्योंकि हम 1/10 की दुनिया लगभग 50% काम हो गए हैं। जैसे कि ट्रैफिक में 10 स्टेक होल्डर मतलब 10 हिस्से हैं, डेटा है, गाड़ियाँ हैं, सड़कों की स्थिति है, नगर निगम है, RTO है उसका अपना रोल है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अपना रोल है, मीडिया का अपना रोल है, आम व्यापार संगठनों का अपना रोल है, जो आपकी अपनी रेडी आगे लगा देते हैं, सामान आगे लगा के रखते हैं। सिंपली यातायात व्यवस्था में जो है जितना भी आप जो गाड़ियाँ देखते हैं या आपका जो क्षमता है उसका अपना रोल है कि वो सही से चले, बाएँ से चले, दाएँ से चले, फिर लास्ट में एक पुलिस का रोल है। तो इसके मेरा मानना है कि ट्रैफिक चलाने में 10 लोगों का हाथ होता है, मैंने 10 के 10 गिनाए आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीदें किससे हैं, खाकी से, सबसे ज़्यादा उम्मीदें खाकी से हैं। और कई बार जो सफ़ेद और खाकी की मिली जुली सरकार है उससे तो खाकी से भी नहीं है, नीचे पैंट खाकी है और ऊपर शर्ट सफ़ेद है उससे है। और हमारे जो होमगार्ड और PRD के जवान इस समय लगे हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और लगातार सीजन आ गया है जाम का सीजन, ये 2-3 महीने जाम के लिए बहुत क्रूशियल हो गए, उसका रीज़न बहुत बड़ा है, बहुत ही कॉमन रीज़न है क्यों क्यों जाम जो है नवंबर से फरवरी के बीच में लगता है, कोई बताएगा मुझे? जी बताइए, लेकिन ग्राउंड से क्या फीडबैक आती है? बहुत बढ़िया बात है, जो हम और आप नहीं सोचते हैं वो सोचते हैं। दिन छोटा है, सभी को काम पे निकलना है, दिन छोटा है, 5 बजे अंधेरा हो रहा है आजकल 5:30 बजे, ऐसे क्या होता है 8 बजे तक के 3 घंटे का कुशन होता है, सभी लोग टाइम पे उसी टाइम सबको निकलना, उसी टाइम सबको जाना है, साथ में विजिबिलिटी कम हो जाती है, विजिबिलिटी आपने देखा धुंध आ जाती है, कोहरा आ जाता है, पॉल्यूशन आ जाता है। और मैं सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ये भयंकर पॉल्यूशन में भी सड़क पर खड़े होते हैं और इनको कोई धन्यवाद नहीं देता, सभी सोचते हैं कि ये बस यहाँ खड़े हैं वसूली कर रहे हैं या ये अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इनकी मजबूरी है, 2 घंटे बाद हर किसी को रेस्ट चाहिए। आप भी 2 घंटे अगर कैमरा लेकर खड़े होंगे, मीडिया लड़की भी हमारे भाई लोग, तो आपको कहना है रेस्ट चाहिए, ये बिना रेस्ट के 8 से 10 घंटे हमारे ये यहाँ काम करते हैं, मैं बहुत बड़ा इनको सैल्यूट करता हूँ। जी एक ट्रैफिक व्यवस्था में आमूलचूल सुधार के लिए, प्रोत्साहन के लिए, और हमारे जो फेस वैल्यू है हमारी वो एक तरह से जो ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हमारे जवान हैं उनसे ही बढ़ती है, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को हमने आज आइडेंटिफाई किया, जो होमगार्ड्स और PRD के जवान विभिन्न विभिन्न चौराहों पर, जैसा कि आपने देखा, चाहे वो खजनी का तिराहा हो, चाहे वो एशपरा का तिराहा हो, चाहे नगर क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, उसमें से कुछ चुनिंदा लोगों को हमने फीडबैक लेकर के बुलाया और यहाँ पर सम्मानित किया है। ये एक शुरुआत है जिससे कि लोगों को हौसला रहे कि हम अच्छा काम करेंगे तो पहचाने जाएंगे। यातायात पुलिस को बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने बताया कि यातायात कुल 10 लोगों का, कम से कम 10 लोगों का मिला जुला मिश्रण होता है, जिसमें हमारी जनता को भी एक स्टेक होल्डर है, व्यापारी स्टेक होल्डर है, RTO ऑफिस स्टेक होल्डर है, गाड़ियों की संख्या स्टेक होल्डर है, सड़कों की स्थिति स्टेक होल्डर है,
तमाम तरह की जो निर्माण सामग्री और ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं ये स्टेक होल्डर है, साथ ही साथ जो वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, नगर निगम, PWD, गवर्नमेंट ये GDA, ये सभी स्टेक होल्डर हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था में केवल पुलिस एकमात्र विजिबल है, सामने दिखती है, इसलिए हमारे ऊपर इन दसों की जिम्मेदारी आती है और हम अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरह कोशिश में लगे रहते हैं कि भले ही वो रास्ते सकरे हों, लोगों की भीड़ ज़्यादा हो, गाड़ियों की संख्या ज़्यादा हो, पोल्यूशन हो, दृष्टि कम हो, विज़न कम हो, फिर भी हमारे जवान लगातार लगे रहते हैं। और मेरा मानना है कि ट्रैफिक किसी भी शहर का एक फेस होता है, चेहरा होता है, और प्रथम दृष्टिया वही एक इम्प्रेशन बनाता है कि शहर कैसा है, और उसको लेकर के हम बहुत ही संजीदगी से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में जो है आज ये कार्रवाई की गई कि हमारे जवानों को प्रोत्साहन के लिए ये एक मतन हिलिया जी ने एक स्पॉन्सरशिप रखी और उनको गिफ्ट्स दिए गए और उनको सम्मान चिन्ह दिए गए, जिससे कि हम इसमें ट्रैफिक व्यवस्था में और आमूल चूल बदलाव ला सकें।